क्या लिखेंगे? मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखे तो मुझे बताना। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सबसे पहले देखते हैं होल नंबर की, ठीक है? इसकी देखेंगे होल नंबर की, क्या होता है होल नंबर? क्लास, होल नंबर क्या होता है? बताइए सर। बताइए सर, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। हाँ, कहाँ तक जाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे। ओनली पॉजिटिव, जीरो से लेके इनडेफिनिट, इनडेफाइन। लेके इनफिनिट होते हैं ना? यस सर। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखेंगे अब। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसका फॉर्मूला ये होता है ना सर? हाँ, देखिए अपन होल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं एक दो हो, इसमें क्या चाहिए कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू अगर बी प्लस ए आए तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किस वाली कंडीशन में? एडिशन वाली कंडीशन में। किस वाली कंडीशन में? एडिशन वाली कंडीशन में। तो एडिशन के लिए पहले नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं होल नंबर फाइव, एक ले लेते हैं जीरो। तो देखो 5 भी एक, 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, 5 प्लस 0 कितने होते हैं? 5, 0 प्लस 5 क्या होते हैं? 5, दोनों बराबर है। यस, इस कारण से ये फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, यस सर। क्लियर है? दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a। अरे b माइनस फॉलो करेगा, ठीक है? तो करके देखते हैं a कितना है। a ले लेते हैं, मान लेते हैं 5, b ले लेते हैं 6 माइनस 6, फिर 6 माइनस, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 या प्लस का वन, क्या ये दोनों बराबर है? नो सर, ये फॉलो नहीं करता। सो दिस नॉट फॉलो, कौन सी प्रॉपर्टी? एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? यस सर। थर्ड देखेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, a इंटू बी, अगर b इंटू ए आता है तब ये फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 ले लेते हैं। 5 इंटू 6 कितने होते हैं, 30। दोनों बराबर है, यस सर। तो ये फॉलो करता है, फॉलो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिवीजन। A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू B डिवाइड A। अगर ये होता है तो ये फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता है। नहीं करता है। तो 5 और 6 ले लेते हैं ना, 5 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 बाय 6 और ये 6 बाय 5। तो 5 बाय 6 कितना होता है, 0.8333 ऐसा आता जाएगा, और ये होता है 0.30। क्या ये बराबर है दोनों? नो सर। नो सर। तो ये फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है। तो दिस नॉट फॉलोस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक है। Yes. अगला देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स देखते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सबसे पहले देखते हैं क्या, एडिशन। क्या देखते हैं, एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है। यस सर। यस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो इसकी कंडीशन भी क्या होनी चाहिए कि भाई a प्लस बी, अगर b प्लस ए के आए बराबर तभी ये सही है। तो इंटीजर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, माइनस सिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह ले लेते हैं, ए बराबर ये ले लेते हैं, बी बराबर ये ले लेते हैं। ठीक है, फाइव प्लस माइनस का सिक्स, फाइव सॉरी माइनस का सिक्स प्लस का फाइव, फाइव प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये हो गया माइनस सिक्स प्लस फाइव। ये कितना बचा, माइनस का वन, ये भी बचा माइनस का वन, दोनों बराबर आ रहे हैं। यस सर। तो दिस फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन a माइनस माइनस बी
तो फॉलो करेगा, नहीं आता तो फॉलो नहीं करेगा। ए की वैल्यू ले लेते हैं 5, बी की वैल्यू ले लेते हैं माइनस 6। तो ए यानी कि 5 माइनस माइनस का 6, ये माइनस 6 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 माइनस 5, ये हो गया 11, ये माइनस का 11। क्या ये बराबर है दोनों? नो सर, तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो दिस नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लिया। यस सर। यस सर। अब आगे देखते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी इसका सिस्टम जो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे a इंटू बी होना चाहिए, b इंटू a, यानी कि अगर मैं 5 और 6 ले लेता हूँ माइनस 6, तो 5 इंटू माइनस 6, ये माइनस 6 इंटू 5, 30 माइनस का, ये भी माइनस का 30, दोनों बराबर है? यस सर। चलिए आगे क्या करना है, ये आ गया तो ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। समझ आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर।
कितनी देरी है, ये लिख लिया आपने? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसको मिटा दूं। अब आगे कौन सी प्रॉपर्टी देखे, आगे देखेंगे डिवीजन। डिवीजन का डिवीजन ए बाई ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई ए आपका है तो ये फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 5 डिवाइडेड बाई -6, -6 डिवाइडेड बाई 5, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। ये सो दिस नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। मिटा रहा हूं मैं इसको। अगला करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। पहला देखते हैं एडिशन, क्या होना चाहिए? a प्लस बी अगर बराबर है किसके? b प्लस ए। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3/5, दूसरा ले लेता हूँ 6/5। ठीक है, ये a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ। तो 3/5 प्लस 6/5, 6/5 प्लस 3/5, एलसीएम लिया 5, 6, 3 प्लस 6, एलसीएम लिया 5, 6 प्लस 3, ये 9/5, ये भी क्या आया? 9/5. ठीक है, तो ये दोनों बराबर है? यस सर। तो follows commutative property। ठीक है, yes sir, लिख लीजिए। अगला करते हैं क्या, मिटा दूं इसको? यस सर, यस सर। अगला करते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी बराबर होना चाहिए बी माइनस एक, तो वही 3/5 और 6/5 ले लेते हैं। तो 3/5 माइनस 6/5, फिर 6/5 माइनस 3/5, एलसीएम लिया 5, 3 माइनस 6, एलसीएम लिया 5, 6 माइनस 3, माइनस 3 अपॉन 5, यह आ गया 3 अपॉन 5। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। इस कारण ये फॉलो नहीं करेगा। सो this not follows commutative property। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? Yes sir। Yes, sir। Okay। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्या देखते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू बी बराबर होना चाहिए बी इंटू ए।
वही ले लेते हैं 3/5 और 6/5 और ये 6/5 इंटू 3/5 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 6 3 18 5 5 25 ये दोनों बराबर yes, sir. तो करता है yes. तो दिस follows commutative property. Commutative property. ठीक है यस सर स्क्रीनशॉट ले लो करते हैं आगे है ना डिवीजन अब क्या करते हैं डिवीजन ए डिवाइडेड बाय बी बी डिवाइडेड बाय ए तो देखो 3/5 और 6/5 डिवाइड और ये हो गया 6/5 माइनस के नहीं होंगे प्लस के लेते हैं दोनों ओके तो देखो 3/5 डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है 5/6 उल्टा हो जाता है ये यस सर और 6/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 5/3 हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल ये 3 से 2 टाइम 1/2 ये 3 से 2 टाइम क्या ये दोनों बराबर है नो सर तो ये फॉलो नहीं करता नहीं करता है दिस नॉट फॉलोस कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख देना ये ठीक है सर तो थैंक यू क्लास आज की क्लास यही खत्म करते हैं हम ठीक है ओके सर Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.